बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने रच दिया इतिहास। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, तो वहीं हार्दिक पांड्या का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजा। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेहरू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच काफी खतरनाक विस्फोटक तीसरा T20 मुकाबला खेला गया। भारतीय टीम के ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजों ने श्रीलंका की गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए, वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। तो वही हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान टॉस जीतकर काफी ज्यादा उछल रहे थे और यही सोच रहे थे कि पहला T20 का मुकाबला, दूसरा T20 का मुकाबला हम हारे हैं लगातार, लेकिन तीसरा T20 का मुकाबला जरूर जीत लेंगे और तीनों के तीनों सीरीज T20 की भारतीय टीम को नहीं जीतने देंगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेहरू ने धज्जियां उड़ा कर रख दी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया थर्ड T20 मुकाबला, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव बॉल बाई बॉल का हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाद बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव कर चौका ठोक दिया और पहले ओवर की दूसरी बॉल पर 110 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चलने लगा। यशस्वी जायसवाल तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान। यशस्वी जायसवाल काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल कर रख रहे थे। तो वहीं दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर सुमन गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर 14 रन समेट लिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल का भी गुस्सा साथ में आसमान पर था और यशस्वी जायसवाल यहां पर दूसरे T20 मुकाबले में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इस बार कसम खाई थी कि जब तक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं करके आएंगे मैदान से नहीं हटेंगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। जायसवाल काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहां पर शुभमन गिल को काफी बड़ा झटका लगा। आप सभी को बता दें, चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल जब 18 रन ठोकर आउट हुए तो भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही छक्के से शुरुआत की और ऋषभ पंत ने यहां पर 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन बटोर लिए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन साथ में ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब 32 रन ठोक करके आउट हुए। जब ऋषभ पंत आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयरों ने एक दूसरे की मदद से मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव कर चौके ठोक दिए, तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसाने लगे। तो वहीं 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के घातक से घातक
तक खूंखार विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन 10वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब यहां पर 76 यानी कि 76 रन ठोक करके यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर एक ऐसा तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बल्लेबाज कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है, वो विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है, यानी कि बात करने वाले हैं यादव जी की, सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को इसका दर्द होया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। 11वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य ने मैदान पर उतरते ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर सूर्य कुमार यादव काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। तो वहीं घातक से घातक विस्फोटक बांग्लादेश के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज को रोकने के लिए, लेकिन सूर्य को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया, जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के हाथों में पहुंच गई और सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 12वें ओवर की पांचवी बॉल पर एक चौका ठोक दिया और 12वें ओवर की छठी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। यहां पर अकेले ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह भी देखकर हैरान थे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, 13वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर जब यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या कैच आउट का सामना कर बैठे एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। जैसे ही हार्दिक पांड्या आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बल्लेबाज कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है, बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, कपिल देव, यहां पर हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के 2 चौके आते ही ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। अब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की एक ऐसी जोड़ी है, अगर T20 के मैचेस में जोड़ी मैदान पर है तो समझ लीजिए कि आक्रमण नहीं विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजी खेली जाएगी। यहां पर भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहां पर तूफानी विस्फोटक तरीके से 16वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, यहां पर स्ट्राइक अपने पास में रखी और यहां पर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया और पांचवी छठी बॉल पर एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव को चौका ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए, जहां पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथों में रखी और 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में 28 रन ठोक दिए। 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 3 छक्के 3 चौके फिर ठोक दिए और 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिए। सूर्य और रिंकू का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दे रिंकू सिंह ने यहां पर घातक विस्फोटक तरीके से 20वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 6 छक्के ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी। बांग्लादेश की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जीत की उम्मीद से उतरी, तो सबसे पहला ओवर लेकर गए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने। पहले एक ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह, दूसरे ओवर में हर्षदीप सिंह ने 14 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव, जहां पर उन्होंने 6 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक ताबड़तोड़ गेंदबाज गेंदबाजी तो बेहतर कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने एक विकेट चटका दिया, जहां पर भारतीय टीम को पहला विकेट
मोहम्मद सिराज की ओर से हासिल हुआ। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर मैदान पर तबाही भरे विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के भी बल्लेबाज कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट रवि बिश्नोई ने ले लिया। यहां पर हर्षदीप सिंह ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट लेते हुए 14 रन दे दिए। अब यहां पर बांग्लादेश की टीम के 3 विकेट तो चले गए थे, लेकिन बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम को एक पल के लिए ऐसा लगा क्योंकि भारतीय टीम खतरनाक विस्फोटक शेयर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों को लगा कि अब यहां पर जो लग रहा है कि तीसरा टी20 का मुकाबला हारना पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। रवि बिश्नोई की 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। हर्षदीप सिंह के यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 चौके और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। मोहम्मद सिराज के 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई ने अपनी चतुराई अपनी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाजी से कमाल कर दिया और रवि बिश्नोई ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट ले लिए। यहां पर भारतीय टीम ने 19वें ओवर तक जाते-जाते तीसरा टी20 का मुकाबला जीत लिया।